बांका जिला के अमरपुर बांका पथ पर आनंद मार्ग के समीप शुक्रवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया तथा उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर की ओर से बाइक से मखदुमा के संजय चौधरी, खैरा के राजकुमार एवं ममलखा के बादल कुमार मखदुमा जा रहे थे। आनंद मार्ग के समीप बनबरसा के बंटी मांझी अपने 4 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार के साथ पैदल अपने गाँव जा रहे थे। अचानक बाइक चालक ने उन्हें धक्का मार दिया तथा बाइक सवार भी बाइक से गिर पड़े। इस दुर्घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद स्थिति गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। बांका जिला के अमरपुर में यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर जिला श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में अमरपुर शहर के बंगाली टोला स्थित खाद दुकान स्थित अन्य दुकानों में जांच की गई। जांच टीम आने की सूचना पाकर ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश दुकान बंद कर दुकानदार फरार हो गए। बंगाली टोला स्थित खाद दुकान में POS मशीन से खाद वितरण एवं स्टॉक आदि की जाँच की गई, जिसमें अनियमितता पाई गई। अगर इरादे बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना डटकर किया जा सकता है। ईश्वर के बाद धरती पर डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार के दिन अमरपुर अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने अपनी ड्यूटी की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद दर्द से कराह रही एवं जिंदगी और मौत से जूझ रही गर्भवती महिला को न सिर्फ जान बचाई बल्कि सुरक्षित तरीके से महिला का प्रसव भी कराया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार के दिन महिला चिकित्सक दीप्ति सिन्हा का रेफरल अस्पताल में ड्यूटी था। डॉक्टर सिन्हा अपने तय समय से ड्यूटी पर आई और ड्यूटी समाप्त होते ही अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी थाना क्षेत्र के चिरैया गांव के एक गर्भवती महिला अपना प्रसव कराने के लिए अस्पताल आई। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी। डॉक्टरों ने अविलंब गर्भवती महिला को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया, जिसकी सूचना घर जा रही महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिन्हा को मिली। सूचना मिलते ही महिला चिकित्सक घर जाने के बजाय महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने में जुट गई। डॉक्टर सिन्हा के अथक प्रयास के बाद गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर सुरक्षित प्रसव करा लिया गया। बताते चले चिरैया गांव निवासी पंकज कुमार मिश्रा की गर्भवती पत्नी सोनी देवी की यह तीसरी डिलीवरी है। मौके पर गर्भवती महिला की सास इंदु देवी ने महिला चिकित्सक समेत सभी कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि अगर सभी कर्मी एवं डॉक्टर ऐसे ही गरीब लोगों की सेवा अपना कर्तव्य समझकर करें तो देश बीमारियों से मुक्त देश कहलाएगा। मामले को लेकर अस्पताल में पदस्थापित महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने बताया कि चिरैया गांव से गर्भवती महिला अपनी डिलीवरी कराने अस्पताल आई थी, जहां महिला की स्थिति काफी गंभीर देखी गई। मौके की नजाकत को देखते हुए महिला की डिलीवरी कराने का निश्चय किया और ईश्वर की कृपा से महिला की डिलीवरी कराने में कामयाब रही। उन्होंने बताया कि लोगों की सेवा करना ही डॉक्टर का धर्म है। कौन है जो किसका डिलीवरी हुआ यहाँ? आपकी बड़ी पुतो हुआ है? क्या नाम है पुतो का? सोनी देवी। कैसा कम्मा डिलीवरी था? तीसरा। हाँ। तो जैसा अभी डॉक्टर बताया कि इसका ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। हाँ। तो आपको यहाँ कैसा व्यवस्था लगा हॉस्पिटल का? सब चीज तो ठीक है। हाँ। कोई प्रॉब्लम भी समझ में आया? ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन के समय इनका पति मौजूद था? हाँ। आ गया था? हाँ। तो ये डॉक्टर आपसे पैसों लिया? ना। मैडम लोग पदस्थापित हूँ। आज मैंने अमरपुर रेफर अस्पताल में एक सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन की कोई खास बात नहीं है, बस यही खास बात है कि मरीज के साथ कोई उसका रिलेटिव्स नहीं थे और महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव था। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव और कम उनकी वजह से भी उनको बड़े अस्पताल में भेज सकें। हमारा अमरपुर रेफर अस्पताल बहुत छोटा सा अस्पताल है, तो हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने 10 मिनट में OT अरेंज किया, उसके कोई गार्जियन नहीं थे। हम लोगों ने ही बिना गार्जियन के मरीज के ही साइन से हम लोगों ने उसका ऑपरेशन कर दिया और मरीज को भी डर लग रहा था ऑपरेशन में, क्योंकि उसका कोई परिवार का लोग नहीं था। उन लोगों ने उसे समझाया और उसके गार्जियन को मैंने फ़ोन किया, मैंने खुद से ही फ़ोन किया। मैंने बोला कि आप कृपया कर पहुँच जाइए, आपकी मरीज सीरियस हो गई है। सीरियस है, वो दिखाने आई थी, उसको ब्लीडिंग था और अचानक बहुत ब्लीड कर रही है। वो प्लेसेंटा प्रीविया की पेशेंट थी मगर उसको पता नहीं था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था 3 महीने पहले कि आपको कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द होगा तो आप तुरंत सोच लीजिएगा कि आपको परेशानी हो सकती है। मगर वो गांव की महिला थी जो समझ नहीं पाई।
लेकिन मैंने उसे ये सब समझाया था और उसके हीमोग्लोबिन की भी मैंने जांच नहीं करवाया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अब मैं बाद में करवाऊंगी, क्योंकि ब्लड उसको इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि लग रहा था कि मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, जिसको हम लोग अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं। फिर हम लोगों ने तुरंत एनेस्थेटिस्ट भी हमारे पास अभी बाहर पोस्टेड है, मगर फिर भी हम लोगों ने उनको भी अरेंज कर लिया, क्योंकि वो उस समय अवेलेबल थे उस टाउन में ही। तो हम लोगों ने उसको ऑपरेशन करके माँ और बच्चे की जान बचा दी। जब ऑपरेशन खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, तब उसके गार्जियन आए और वो लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, क्योंकि बांका जिला के सुभानपुर पंचायत अंतर्गत कटोरिया गांव में वार्ड नंबर 4 में 9 महीने पहले 18 लाख की लागत से नल जल योजना की शुरुआत हुई, लेकिन 2 दिन पानी आने के बाद यह पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वार्ड वासियों ने बताया कि पानी इतना गंदा था कि पीना तो छोड़िए कपड़ा धोने के लायक नहीं था। गाँव के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में शामिल नल जल योजना का हाल किसी से छिपा नहीं है। लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नल जल योजना के नाम पर खुलेआम लूट मची हुई है। अगर नल जल योजना का निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए तो बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। मौके पर कटोरिया वार्ड नंबर 4 के ग्रामीणों ने बताया कि कई दफा संवेदक से इसकी शिकायत की गई, लेकिन संवेदक गांव नहीं आया। अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुधि नहीं ली गई। मामले को लेकर BDO राकेश कुमार ने बताया कि नल जल योजनाओं की जांच की जा रही है, अगर पानी लाल आ रही है तो दोबारा उसी जगह बोरिंग कराई जाएगी। कार्य में अनियमितता बरतने वाले कर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आता है और इतना खराब पानी होने की वजह से भी 2 दिन दिया है, उसके बाद पानी ताने आया नहीं है। नल तल इधर उधर हो गया, गुस्से से लोगों ने भी कर दिया है कि जब पानी नहीं आता तो नल रखी क्या करेंगे। हम लोग को चाहिए नहीं है, क्या है इसमें? पानी बहुत लाल है और कदोड़ है। ये बांध बगल में है, इससे अच्छा पानी बांध का है। ये कब बना है? ये बनने से 8-9 महीना हो गया है। कितने लागत से बना है? कितने सुनने में आया, हम तो उतना नहीं जानते, लेकिन सुनने में आया 18 लाख लागत है इसमें। तो सब घर में पानी नहीं मिल पा रहा है? सब घर में वो खोलता ही नहीं पानी, पीने को नहीं मिला है। 4 नंबर और 3 नंबर वार्ड से तो कभी पानी नसीब ही नहीं हुआ हम लोग को। बाकी जो है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर ये सब में पानी इतना बेहतरीन है, वो लोग बगैर खरीदे हुए पानी पी रहे हैं। मैंने क्या दिक्कत है? लाल पानी आता है, पानी लाल है, एकदम बिल्कुल लाल है। और यदि नदी में पाइप छोड़ दिया है? जी सर, नदी का भी पानी जाता है। जी जी जी। पानी को यूज करता है कि नहीं? कोई यूज नहीं करता, पानी चालू नहीं होता है तो यूज कहाँ से होगा सर? अच्छा, कौन बनवाया है? ये हमारा 4 नंबर वार्ड बनवाया है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर हाई स्कूल के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष भोलू पोद्दार को दिया गया। सूचना मिलते ही जिला उपाध्यक्ष ने अस्पताल में घटना की जानकारी दी, जहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर नवल प्रसाद शाह के द्वारा जख्मी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं जख्मी की पहचान थाना क्षेत्र के तारडी गांव निवासी CSP संचालक अमन कुमार यादव के रूप में हुई है। मामले को लेकर जख्मी ने बताया कि आवश्यक कार्य के लिए भरको गांव गया था, जहां से वापसी के क्रम में सामने से आ रही ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। वहीं जख्मी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है।